गाइस, तो सोचा आपका पेपर बहुत पास आ चुका है, एक दो बातें कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात तो यही कि आपका जो जहाँ पे भी आपको जाना है, जितना भी दूर आपका सेंटर आया है, रोडवेज बस में आपका किराया नहीं लगेगा, है ना। और दूसरी बात ये कि ड्रेस कोड वाली बात ही थी, तो उसमें सिर्फ इतना है कि बॉयज जो हैं वो हाफ शर्ट पहन सकते हैं या फिर टी शर्ट पहनो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। फुल स्लीव्स कुछ भी नहीं चलने वाला। और सेकंड दूसरी बात हो चुकी है, चलो थर्ड बात कर लेते हैं। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगी, बट क्योंकि आपको पता है ना, पेन पेपर मोड पे ही आपको वो चीज़ें समझाई जाती हैं। वैसे वीडियोस में आपको उसी पेन पेपर बोर्ड पे ही समझा सकती हूँ। तो अभी इस जस्ट इस वीडियो के बाद मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आप प्लीज़ वो भी देखना। और जितना भी पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया, सफिशियंट लास्ट ग्रेड भी बहुत मैटर करता है। जिनका पेपर भी 28 को है, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, 27 को आराम से नींद लेना। और जिनका पेपर भी 29 को है, वो 28 को आराम से रिलैक्स करना, क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आपने एंड वाले दिन पर भी ऐसे ऐसे कराना है, मतलब ये भी पढ़ लूँ, अरे भरोसा रखो यार, आपने जो भी पढ़ा है, देखो ये सबके साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आपने कितना भी पढ़ लिया हो, पर एंड में आपको ये लग रहा होगा मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा। यार टेंशन मत लो, ये सबके साथ होता है, ऐसा सबको लगता है, पर जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये तो वो चीज़ है और ये मैंने वैसे पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं सब भूल गया, अरे सब कोई कुछ नहीं भूलता, ये जो है ना, यहाँ पे बहुत कुछ स्टोर किया जा सकता है, डोंट वरी। आपने जितना भी पढ़ा है सब आपको याद है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे आपसे यही बोलनी थी कि देखो, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। पहले वो हमें तो निकालना ही है पेपर, रात भर बोलेंगे, दिन भर बोलेंगे, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तो पेपर निकालना ही है, हमने तो बहुत तैयारी नहीं करी, पर क्या पता हो या नहीं हो, ठीक है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं, कि हमने जितनी तैयारी करी है ना, उतने के अंदर अपना पेपर बना कर आएंगे, मतलब उतने के अंदर सबसे अच्छा करके आएंगे, समझ लो। मान लो आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए, इट्स ओके, कोई भी 100% सिलेबस कवर नहीं करता, आपको भी पता है आपका सिलेबस एंड टाइम पे बहुत सारा इंक्रीज हो गया था, राइट। तो अगर आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, अगर आप सोच लो और आराम से ठंडे दिमाग से पेपर दे के आओ, और ये सोच के कि मैंने जितना करना है ना, मेरे को अपना 110% देना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, ना इधर का ना उधर का, ठीक है। तो अगर आप इस मूड से पेपर देने चाहोगे, मैं गारंटी लेती हूँ, आप अच्छे से, बहुत अच्छे से काफ़ी सारा अटेम्प्ट कर लोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए उतना। तो क्योंकि फर्क पड़ता है, आप पेपर दोगे, आपको आपने पहले से सोच रखा है, सोचना ध्यान से, ठीक है, आपने पहले से सोच रखा है, मेरे को तो लीव असिस्टेंट का पेपर हर हाल में नहीं छोड़ना है, 110% निकालना। मान लो पूरे पेपर में आपके अकॉर्डिंग सवाल है, आपने जो पढ़ा उसी में से सवाल है जो आपको ईजी लगते हैं, बट स्टार्टिंग के 10 सवाल आपको टफ मिल गए, है ना, आप पहला देखोगे नहीं हो रहा काटा, दूसरा देखोगे नहीं हो रहा काटा, तीसरा देखोगे नहीं हो रहा काटा, वहीं आपका ये पूरा माला जो है ना ऊपर वाला वो हिल जाएगा। आप ये सोचोगे कि मैंने इतना पढ़ा, जब मेरे से यही सवाल नहीं हो रहे तो आगे तो क्या ही होगा। अरे आप ओनली 10 सवाल देख के जज नहीं कर सकते पेपर को, आपके वो 10 सवाल सेलेक्शन नहीं करवाएंगे आपका, समझ रहे हो। क्या पता उन 10 सवालों के बाद में जो भी सवाल हो वो सब आपको आते हो, तो वो कॉन्फिडेंस अगर एक बार नीचे चला गया ना पेपर देते टाइम में, फिर कुछ नहीं होना। तो इसीलिए बोलो, आराम से जाओ, अब जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है, ठीक है, यही सोच कर जाओ, पेपर देने जाओ, आपसे जितना अच्छा से अच्छे से अटेम्प्टिंग हो सके आप उतनी अटेम्प्टिंग करो, होने को कुछ भी हो सकता है, आपको भी पता है। पेपर में अगर आपके लेवल के सवाल आ गए जो आपने पढ़े हैं उस लेवल के, तो पेपर एकदम ईजी, एकदम एक नंबर। और अगर नहीं आएगा पेपर में तो कोई बात नहीं, टफ पेपर आता है तो कट ऑफ कम जाती है, मॉडरेट आएगा तो उस हिसाब से जाएगी। और एक बात सोच लेना, आपने बहुत मेहनत करी, देखो मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ ये वाली लाइन, तो जिन्होंने पूरे ईमानदारी से 2-3 महीने लग के मेहनत करी है और अब अपना 100% देने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपने इतना पढ़ाई करी है ना, इतनी पढ़ाई करी है, अगर आपसे वो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो ये सोच लेना किसी से हो भी नहीं सकता। आपने देखा होगा बहुत से लोग पेपर देने के बाद में बोलते पेपर बहुत ईजी था, पेपर बहुत टफ था, अरे वो लोग ही, मतलब बहुत से लोग बोलेंगे पेपर टफ था, और कुछ बोलेंगे अरे पूरा गाइड में से कॉपी पेस्ट हुआ था। तो कान खोल के सुन लो, ये चीज़
बिल्कुल मायने नहीं रखती। पहला पेपर देने के बाद में इधर उधर की स्टेटमेंट्स मत सुनना। अगर आपका पेपर 1% भी 19% हुआ है तो आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी और सेकंड पेपर में उसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जब भी आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाए, सेकंड पेपर के बीच में तो 2-1 घंटे रहे, उस टाइम पे आपको आंसर की मैच नहीं करनी है। आजकल यूट्यूब इतना फास्ट है कि आपको उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं आंसर की लाइव चलती हुई दिख जाएगी। अभी कंप्यूटर टीचर भर्ती में भी यही हुआ था, पर प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करना, घर आना, आराम से पेपर देके उसके बाद में आंसर के लेके बैठना, क्योंकि आपको आई थिंक कार्बन कॉपी और एग्जाम जो है आपका एग्जाम पेपर है दोनों मिलेंगे, तो आप फिर आके आराम से अपने सवाल मैच कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आप कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। बट वो राइट टाइम नहीं होता है कि आप दूसरा पेपर है आपके सर पे और आप थोड़ी देर के लिए देख रहे हो, ठीक है। बाय चांस वहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत नेगेटिव में हो गए, अब ये पता चला तो आपका दिमाग बहुत खराब जाए, क्योंकि 40% का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो 1% होता है कि मैं सेकंड पेपर में कितना भी अच्छा कर लूँ बट मेरा 40% नहीं आया तो ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। इनसे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। ये जो दिमाग है ना, इसको एग्जाम टाइम में छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। जो इसको पसंद है ना वैसे ही करो। अब मैंने आपको पहले भी बोला पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से किया है आपको वही करना है। नहीं किया है कोई बात नहीं, जो भी आपको लगता है ये मैं कर सकता हूँ आपको वो देखना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तैयारी के साथ पेपर देने जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हो रहे होंगे यहाँ पे जो सोच रहे होंगे किराया फ्री है मैं आते हैं इसी बहाने, ठीक है ना। तो सब तरह के लोग मिलेंगे आपको, तो आपको डरना नहीं है कि पेपर में फॉर्म इतने आए और इतने सारे लोग पेपर देंगे। अरे जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। किस्मत कितनी भी अच्छी हो, मेहनत के बिना किस्मत भी अधूरी है और किस्मत के बिना मेहनत भी। बहुत से लोग होते हैं जो मेहनत करने के बाद में भी पॉइंट्स ले जाते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें बात डिपेंड करती है, दोनों हाथों तो बढ़िया ही बढ़िया है, बाकी देखते हैं, है ना, टाइम बताएगा आपका। पर आपसे ही यही छोटी छोटी बातें, प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और अभी भी बोलूँगी एंड में भी, आपने जितना भी पढ़ा है ना यही सोच के जाओ एग्ज़ाम में कि जितना मैंने पढ़ा है ना सफिशिएंट है, इसी में से मैं अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट करके आऊँगा। आपने जितना भी पढ़ा है ना, वो होता है ना खूब सारा पढ़ लिया, आपको भी पता है इतने सारे नोट्स हो गए होंगे या बुक्स हो गए होंगे या जो भी आपने पढ़ा है। अब आप सबको तो एग्ज़ाम में नहीं लेके जा सकते ना, सबको तो एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाले। आपने कोई भी यूनिट पढ़ी है, मुश्किल से उस यूनिट में से 2-1 सवाल देखने को मिलेंगे, तो बेटर है आप उन 2 में से 1 करने का ट्राई करो, ठीक है। वहाँ से नंबर गेन करो। ये मत सोचो मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ये 2 मेरे को आए नहीं, और ये तो गलती करना ही मत कि ना आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़े, जैसे आपने थर्मोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, फुल आई थिंक थर्मोकेमिस्ट्री है आपके, थर्मोडाइनमिक था, ठीक है। थर्मोडाइनमिक फिजिक्स में है ना यार, मैं थोड़ा केमिस्ट्री फील्ड से होना तो मेरे मुँह से केमिस्ट्री बहुत निकलती है, सॉरी उसके लिए। पर थर्मोडाइनमिक है ना, तो अगर आपने थर्मोडाइनमिक को 10-1 दिन दे के आपने पढ़ाई करी है, जिसे टोटल पढ़ा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसको तो मैंने इतने घोट कर किया था, इसका तो 1 सवाल मैं नहीं छोड़ने वाला, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर टाइम कंज्यूमिंग है, अगर उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने वाले हैं, उसको लीव करो तुरंत और आगे बढ़ जाओ, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके बाय।